Assalamu alaikum students, my good name is Sidra. I am going to teach subject maths. जैसा कि आप लोग सारे बच्चे सारे स्टूडेंट्स रिसेप्शन टू से ग्रेड वन में प्रमोट हुए हैं तो आप लोग सारे एक्साइटेड होंगे कि ग्रेड वन की बुक्स कैसी होंगी, उनमें क्या होगा, किस तरह की चीज़ें आएंगी, हम क्या पढ़ेंगे। तो ये वाकई एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि रिसेप्शन टू से जब हम ग्रेड्स में प्रमोट होते हैं तो चीज़ें नई नई आती हैं, ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो ऐसे ही आपका एक सब्जेक्ट है मैथ्स, जो रिसेप्शन टू के बाद ग्रेड वन में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाएगा कि नंबर्स को कैसे लिखना है, काउंटिंग कैसे करनी है, चीज़ों को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ये चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर से स्टार्ट करते हैं जो आप रिसेप्शन टू में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपकी बुक का इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ। आपकी बुक होगी ग्रेड वन में मैथ्स कार्निवल ग्रेड वन। इस बुक में आप लोग सबसे पहले चैप्टर में या स्टार्टिंग में आप लोग नंबर्स के बारे में, काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स को काउंट कैसे करना है, राइट कैसे करना है, नंबर्स में कैसे लिखना है, वर्ड्स में कैसे लिखना है। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि बच्चों, जो आप लोगों ने रिसेप्शन टू में मैथ्स काउंटिंग की थी या जो आप लोगों ने साउंड्स किए थे, उन्हीं चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताती जाऊँ कि आज के इस लेक्चर में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि नंबर्स जो हैं उनको वर्ड्स में कैसे लिखना है, जो और जो वर्ड्स हैं उनको नंबर्स में कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको फ्लैश कार्ड दिखाती जाऊँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ऊपर लिखा है, टॉपिक है हमारा नंबर्स। अब ये जो नंबर्स हैं, ये वर्ड है THREE, 3 को हमने नंबर फॉर्म में कैसे लिखना है, ऐसे। नीचे हमारा वर्ड है सिक्स, काउंटिंग क्या है, सिक्स, SIX, सिक्स को हमने नंबर फॉर्म में कैसे लिखना है, सिक्स। आप लोग रिसेप्शन टू में काउंटिंग तो पढ़ के आए हैं ना, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अब नीचे है फॉर एग्जांपल टू, TWO 2, तो टू को हमने नंबर फॉर्म में कैसे लिखना है, ऐसे। अब आगे चलते हैं कि वर्ड्स, अब जो नंबर्स हैं उनको वर्ड्स में कैसे लिखना है। तो आपको यहाँ फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा होगा कि ये नंबर 9 है, तो उसको वर्ड्स में कैसे लिखना है, NINE 9। काउंटिंग हमने पढ़ी है ना, ONE TWO 2, ये अपने साउंड्स के साथ भी पढ़ी हुई है। तो जैसे नंबर नीचे है 1 को वर्ड्स में कैसे लिखना है, ONE 1। नीचे नंबर है 8, EIGHT, तो हमने नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, और जो वर्ड्स हैं उनको नंबर्स में कैसे लिखना है। 3 है तो 3 को ऐसे लिखेंगे, 6 है तो नंबर्स फॉर्म ऐसे लिख देंगे, 2 है, या जो भी वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी, जो भी नंबर्स दिए जाएंगे, आपने उनको वर्ड्स फॉर्म में कैसे लिखना है और नंबर्स में कैसे लिखना है। इज़ इट क्लियर नाउ? यकीनन आप सबको समझ आ चुकी होगी कि जो नंबर्स हैं उनको वर्ड्स में कैसे लिखना है और जो वर्ड्स हैं उनको नंबर्स में कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको चीज़ें काउंट करनी भी आती हैं, चीज़ों को लिखना भी आता है। फॉर एग्जांपल आपके बैग में कितने कलर्स हैं या आपके रैक में कितने कलर्स हैं, तो आप उन कलर्स को काउंट करके लिख सकते हैं कि मैम मेरे रैक में 4 कलर्स हैं, तो आप 4 को इजीली लिख सकते हैं। मैं आपको फ्लैश कार्ड दिखाती जाऊँ ताकि आप ईजी हो जाएँ चीज़ों को काउंट कैसे करना है और राइट कैसे करना है। सामने आपको 3 शेप्स नज़र आ रही हैं ट्राइंगल की, 3 शेप में काउंट कर ली, 1 2 3, चीज़ों को मैंने काउंट किया और आगे लिख दिया कि ये 3 शेप्स हैं। नीचे आपको 2 फेसेस नज़र आ रहे होंगे, 1 एंड 2, इट्स मीन ये 2 फेसेस हैं, तो हम इनको 2 लिख देंगे, 2 राइट कर देंगे। नीचे आपको शेप्स नज़र आ रहे हैं, स्क्वेयर्स हैं, 1 2 3 4, काउंटिंग की तो ये कितने स्क्वेयर्स बन गए, 4, तो हम 4 को यहाँ लिख देंगे। इट्स मीन चीज़ों को काउंट कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं, ये भी आपको समझ आ गई है कि जो चीज़ें आपको आपके सामने पड़ी हैं, नज़र आ रही हैं, आपने उन चीज़ों को काउंट करना है और आगे नंबर फॉर्म में लिख देना है। 1 2 3 3 लिख दिया, अगर यहाँ पे 5 शेप्स होती तो 1 2 3 4 5, तो आपने यहाँ 3 की बजाय क्या लिखना था, 5। मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करके बता देती हूँ। यहाँ कुछ मैं शेप्स ड्रा करने जा रही हूँ, फॉर एग्जांपल सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने सर्कल्स मैंने ड्रा कर दिए हैं, राइट कर दिए, 1 2 3 4 5 6, तो कितने सर्कल्स हो गए हमारे पास, 6। नीचे हम कुछ लाइंस लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5, कितनी लाइंस बन गई हैं, 5। नीचे हम स्केच ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3, काउंट करें इनको, 1 2 3, कितने स्क्वेयर्स बन गए हैं, 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। इसका मतलब है कि आपको चीज़ें काउंट करना और चीज़ों को लिखना भी आ गया है। समझ आ गई है सारे बच्चों को? थोड़ी सी और एग्जांपल्स दे लेते हैं, चीज़ों को काउंट कर लेते हैं। आपके सामने ज़्यादा चीज़ें भी आ सकती हैं,
सेवन चीज़ें हो सकती हैं, एट हो सकती हैं, नाइन, टेन, लेकिन आज हम सिर्फ नंबर्स वन टू टेन करेंगे कि नंबर्स एक से लेकर नंबर टेन तक चीज़ों को कैसे काउंट करना है और कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अभी तो हमारे पास नाइन सर्कल्स हो गए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितने सर्कल्स हो गए हमारे पास, नाइन। समझ आ गई कि ज़्यादा चीज़ों को काउंट करके भी इतनी आसानी से लिखा जा सकता है और कम चीज़ों को भी काउंट करके उतनी आसानी से लिखा जा सकता है। अब आपके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, इजी हो सकते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आपका टीचर है, आपको पेपर में कोई क्वेश्चन दे देता है, आपसे टेस्ट ले लेता है कि ये आपके पास थ्री शेप्स हैं, वन टू एंड थ्री, और आपको साथ ऑप्शन दे देता है कि नीचे आपको ऑप्शन गिवन है, इन चीज़ों को काउंट करें सबसे पहले, वन टू थ्री, कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, थ्री। अब जो आपके पास नीचे ऑप्शन गिवन है, आपने ये देखना है कि क्या ये थ्री आंसर नीचे हमारे पास गिवन है। पहला क्या है, टू, टू शेप्स हमारे पास है नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या है, थ्री, इसका मतलब है कितनी चीज़ें हैं, थ्री, तो हम थ्री के ऊपर टिक कर देंगे। एक फ्लैश कार्ड आप देखने जा रहे हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ आपके पास दो बटरफ्लाइज बनी हुई है, वन एंड टू, नीचे देखिए आपके पास ऑप्शन है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है, जबकि हमारे पास बटरफ्लाइज कितनी है, वन एंड टू, तो हम टू को टिक कर देंगे कि हमारे पास टू बटरफ्लाइज हैं। काउंटिंग आपको आ गई है, सेलेक्ट करना भी आ गया है, लिखना भी आ गया है। नीचे एप्पल्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, वन टू थ्री फोर, ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे पास, फोर फाइव सिक्स एंड टू। हमारे पास एप्पल्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर, तो मैं किसको टिक करूँगी, फोर को। अब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, सिक्स का, सेवन का और फाइव का, और आपसे ये कहती हूँ कि चीज़ों को काउंट करें, जितनी चीज़ें हैं उस नंबर के ऊपर आप टिक लगा दें। सबसे पहले हम काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, कितने स्क्वेयर्स हैं हमारे पास, फाइव, तो हम देखते हैं क्या हमारे पास फाइव नंबर है, ये नंबर सिक्स है, नो, ये नंबर सेवन है, हमें ये भी नहीं चाहिए, ये नंबर फाइव है, इसका मतलब है स्क्वेयर्स हमारे पास कितने हैं, फाइव, तो मैं नंबर फाइव को टिक कर दूँगी। समझ आ गया सारे स्टूडेंट्स को। अब अपने अपने रूम में अपने घर में चीज़ों को काउंट करना है और अपनी मामा को लिख के दिखाना है कि मामा हमारे रूम में कितनी चीज़ें हैं। यहाँ अपने घर में जो कलर्स हैं उनको काउंट करना है कि मेरे पास कितने कलर्स रह गए हैं, कितनी पेंसिल्स हैं आपके पास, कितनी बुक्स हैं आपके पास, इन सारी चीज़ों को काउंट करना है। आपने प्रैक्टिस करनी है अपने घर की चीज़ों को, अपनी जो आपके पास पर्सनल चीज़ें हैं, आपके बैग्स में जो चीज़ें हैं उनको काउंट करना है और अपने किसी भी पेज पर लिख के अपनी मामा को चेक करवा देना है। ओके, अब हमारे पास आ जाता है नंबर्स की तरफ, चलते हैं हम लोग नंबर्स का। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि नंबर्स क्या होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, कोई भी नंबर हो सकते हैं आपको, सो ऑन, लेकिन आज हमने नंबर वन टू टेन पढ़ना है कि नंबर वन से लेकर नंबर टेन तक कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं, उनको किस तरह लिखना है वर्ड्स में और नंबर्स में किस तरह लिखना है। मैं आपको एक ऑप्शन दे देती हूँ, ये आपके पास एक स्क्वेयर है, इसके अंदर क्या लिखा है, फोर, एफ ओ यू आर, फोर। अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि ये जो वर्ल्ड फॉर्म में काउंटिंग लिखी है आपने उसको नंबर्स में लिखना है, तो नंबर्स में कैसे लिखेंगे, जब ऐसे लिखा होता है वर्ल्ड फॉर्म में फोर, तो आपने उसको नंबर्स में कैसे लिखेंगे, फोर। सेकंड को वैल्यू आपके पास आ जाती है नाइन। अब मैं आपसे कहती हूँ कि इसको नंबर्स फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, दिस इज नाइन। क्लियर हो गया, समझ आ गई सारे बच्चों को कि जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो उनको नंबर्स में कैसे लिखना है। सबसे पहले अपने देखना है इसको साउंड करनी है, एफ ओ यू आर फोर लिखा है तो फोर को नंबर्स में कैसे लिखना है, फोर। नीचे हमारे पास है नाइन, नाइन को कैसे लिखना है नंबर्स में, ऐसे। काउंटिंग तो आपने पढ़ी हुई है ना, आपको मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा। अब मैं यहाँ पर एक नंबर आपको लिख देती हूँ, सेवन, तो अपने इसको नंबर्स फॉर्म में कैसे लिखना है, सेवन, आपको ये सेवन होता है, ये सेवन होगा, नो, इसको सेवन कहते हैं, ये भी नहीं है, आई थिंक ये सेवन होता है, यही होता है ना, तो सेवन को हम उसकी ब्लैंक में लिख देंगे।
नीचे आ जाता है टू, तो टू क्या होता है, सारे बच्चों को पता है कि टू टू को हम नंबर फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। अब हम इसी के थोड़ा सा उल्ट चलते हैं कि जो नंबर्स हैं उनको वर्ड्स में कैसे लिखना है। अब वर्ड्स को नंबर्स में लिखना तो आ गया है, लेकिन अब अगर हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं उनको वर्ड्स में लिखना है तो वो भी कैसे लिखेंगे, अब हम ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नंबर 9, नंबर 7 एंड नंबर 6। ये नंबर क्या लिखा हुआ है, नंबर 9 वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 9 NINE 9। नीचे हमारे पास है 7, तो 7 को हम कैसे लिखेंगे, CVEN 7। नीचे हमारे पास नंबर है 6, नंबर 6 को वर्ड्स में ऐसे लिख देंगे। समझ आ गई है कि जब नंबर्स फॉर्म में काउंटिंग लिखी है तो हमने वर्ड्स में कैसे लिखना है ऐसे, और जब हमारे पास नंबर्स आए सॉरी जब हमारे पास नंबर्स आएंगे तो हमने उनको वर्ड्स फॉर्म में कैसे लिखना है ऐसे। ये हमारे पास नंबर टू वर्ड्स हैं और ये हमारे पास वर्ड्स टू नंबर्स हैं। कि जब हमारे पास वर्ड फॉर्म में काउंटिंग आएगी THREE आएगा तो हमने उसको नंबर्स में कैसे लिखना है ऐसे, और जो काउंटिंग हमारे पास नंबर्स फॉर्म में आएगी, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 9 है तो उसको हमने वर्ड्स में कैसे लिखना है, NINE स्पेलिंग इसके साथ लिखेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास वर्ड्स हैं और ये हमारे पास नंबर्स हैं। आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा सारे बच्चों को। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है कि काउंटिंग नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक जो काउंटिंग है उन चीज़ों को काउंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, नंबर्स फॉर्म में कैसे लिखना है, वर्ड्स फॉर्म में कैसे लिखना है, तो ये सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा, सारे बच्चों को समझ आ चुकी होगी। तो जो आपके लिए प्रैक्टिस है, जो आपकी असाइनमेंट है, आपने करना क्या है, अपने घर की चीज़ों को काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अपने घर की चेयर्स को काउंट करना है, सारे घर में जाना है, घर की चेयर्स को काउंट करके अपनी मामा को बताना है कि मामा हमारे घर में 4 चेयर्स हैं, 5 चेयर्स हैं, 6 चेयर्स हैं, जितनी भी चेयर्स हैं अपने पेपर पर लिखकर अपनी मामा को बताना है। दूसरा अपने क्या करना है, अपने घर में प्लेट्स को काउंट करना है, किचन में जाना है और किचन में देखना है कि आपके घर में कितनी प्लेट्स किचन में पड़ी हैं, वो सारी प्लेट्स काउंट करके अपने अपनी मामा को पेपर पर लिख के बता देना है। उसके बाद आपको जो चीज़ पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि हमारे घर में पेंसिल्स कितनी हैं या कलर्स कितने हैं, तो अपने अपने बैग को खोलना है, बैग में कलर्स को काउंट करना है और एक पेपर पे लिख के अपनी मामा को बता देना है कि मेरे पास इतने कलर्स रह चुके हैं। सारे बच्चों को समझ आ चुकी है अपनी असाइनमेंट की भी और आज के लेक्चर की भी। तो आज की हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। कल हम इससे आगे चलेंगे, कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि नंबर्स 1 से लेकर 10 तक तो आज हमने पढ़ लिया है, नंबर 11 से लेकर नंबर 20 तक चीज़ों को कैसे काउंट करना है और कैसे लिखना है, नंबर्स में कैसे लिखना है और वर्ड्स में कैसे लिखना है। सो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है यहाँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने हैंड्स को बार बार वॉश करना है, अपने बाहर नहीं जाना, घर में रहना है, सेफ रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है और अच्छे से लेक्चर्स को प्रिपेयर करके आना है, अपनी असाइनमेंट्स को कम्प्लीट करके रहना है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम आपसे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।